मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम संप्रदान कारक के बारे में पढ़ेंगे। जिसके लिए क्रिया की जाती है वह संप्रदान कारक होता है। जैसे पिताजी ने भूखे को खाना खिलाया, माताजी ने गरीबों के लिए वस्त्र बनाया, भैया ने प्यासे को पानी दिया। उपयुक्त वाक्यों में भूखे, गरीबों तथा प्यासे के लिए क्रिया की गई है, अतः ये संप्रदान कारक हैं। गरीब के साथ के लिए तथा भूखे व प्यासे के लिए को संप्रदान कारक चिन्हों का प्रयोग हुआ है। इन वाक्यों में के लिए संप्रदान कारक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। तो ये जैसे पिता ने भूखे को, माता जी ने गरीबों के लिए, भैया ने प्यासे को पानी दिया। इन वाक्यों में को के लिए जो कारक चिन्ह है उनका प्रयोग किया गया है, जिससे कि ये संप्रदान कारक कहलाता है। अपादान कारक, जिस शब्द से किसी का अलग होना प्रकट हो वह अपादान कारक होता है। जैसे रामू साइकिल से गिर पड़ा, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, बादल से वर्षा होती है। इन वाक्यों में बताया गया है कि जैसे रामू साइकिल से गिर पड़ा, साइकिल से, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, किससे पत्ते गिरते हैं, पेड़ से, बादल से वर्षा होती है, बादल से वर्षा होती है। उपयुक्त वाक्यों में साइकिल, पेड़ और बादल से अलग होने की क्रिया हो रही है, इसलिए ये अपादान कारक है। इन वाक्यों में से कारक चिन्ह का प्रयोग हुआ है, तो ये अपादान कारक को बताता है। संबंध कारक, जिस शब्द का संबंध वाक्य में दूसरे संज्ञा शब्द से प्रकट होता है वह संबंध कारक होता है। जैसे ये सत्यम का घर है, ये किसका घर है, सत्यम का घर है, ये आनंद का खिलौना है, किसका खिलौना है, आनंद का, ये आगरा का ताजमहल है, कहाँ का ताजमहल है, ये आगरा का। उपयुक्त वाक्यों में सत्यम और घर, आनंद और खिलौना, आगरा और ताजमहल के बीच संबंध प्रकट हो रहा है, इसलिए ये संबंध कारक है। इन वाक्यों में का कारक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। कौन से कारक चिन्ह का प्रयोग हुआ है संबंध कारक में, का। अधिकरण कारक, क्रिया के स्थान को बताने वाले शब्द को अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे आबिद छत पर खड़ा है, पिंजरे में शेर है, थैले में संतरे हैं। उपयुक्त वाक्यों में छत, पिंजरे और थैले शब्दों के द्वारा क्रिया के स्थान का पता चलता है, अतः ये अधिकरण कारक है। छत के साथ पर पिंजरे के साथ में तथा थैले के साथ में अधिकरण कारक के चिन्ह हैं। जैसे छत पर, पिंजरे में, थैले में, ये जो इन वाक्यों में जैसे छत पर है ये कारक चिन्ह है, पिंजरे में ये भी अधिकरण कारक चिन्ह बताए गए हैं। संबोधन कारक, जिन शब्दों के द्वारा किसी को पुकारा जाए वे संबोधन कारक होते हैं। जैसे आबिद नीचे आ जाओ, हार्दिक इधर आ जाओ, इधर आओ, बच्चों आगे बढ़ो। उपयुक्त वाक्यों में आबिद, हार्दिक और बच्चों का प्रयोग संबोधन के अलावा पुकारने के लिए हुआ है, अतः ये संबोधन कारक है। इनके साथ संबोधन चिन्ह का प्रयोग हुआ है। तो जब हम किसी को पुकारते हैं, जैसे यहाँ पे बताया गया है आबिद नीचे आओ, हार्दिक इधर आओ, बच्चों आगे बढ़ो, तो ये संबोधन कारक को बताता है। ओके स्टूडेंट, थैंक्स। आपका कारक यहीं पे समाप्त होता है।